पहलवानों और ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर चल रहे विवाद के बीच भारत सरकार के खेल मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने WFI की नई बॉडी को सस्पेंड कर दिया है, जिसके बाद भारतीय कुश्ती संघ के नए अध्यक्ष संजय सिंह और उनकी पूरी टीम सस्पेंड कर दी गई है। खेल मंत्रालय ने यह बड़ा फैसला ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक के संन्यास लेने, बजरंग पुनिया का पद्मश्री सम्मान वापस लेने के बाद उठाया है। इसके साथ ही खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ के आगामी सभी कार्यक्रमों को भी रद्द किया है। खेल मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि नए संघ ने नियमों के खिलाफ जाकर आगामी टूर्नामेंट और कार्यक्रमों का ऐलान किया था, जिसमें अंडर 15 और अंडर 20 के नेशनल नंदिनी नगर गोंडा में कराए जाने का फैसला लिया गया था। साक्षी मलिक समेत कई महिला पहलवानों ने इस पर सवाल खड़े किए थे। खेल मंत्रालय ने आदेश में कहा कि कुश्ती संघ में अब अगले आदेशों तक कोई भी फैसला नहीं ले सकेगा। वहीं इससे पहले खेल मंत्रालय ने एक बयान जारी करते हुए कहा था कि WFI के चुनाव निष्पक्ष और लोकतांत्रिक तरीके से हुए हैं। इसके साथ ही बजरंग पुनिया के पद्मश्री सम्मान वापस लौटाने पर मंत्रालय ने कहा था कि ये उनका निजी फैसला है और हम अब भी बजरंग से पद्मश्री लौटाने के फैसले को बदलने की मांग करेंगे। बता दें कि हाल ही में भारतीय कुश्ती संघ का चुनाव हुआ था और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह के करीबी संजय सिंह को जीत मिली थी। उन्होंने पहलवान अनीता श्योराण को हराया था। इसके बाद खूब हंगामा बरपा था। महिला पहलवान साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास ले लिया था। अब खेल मंत्रालय ने नए कुश्ती संघ पर बड़ा एक्शन लिया है। सत्य सटीक बेबाक